ये देख रहे हो, ये आपके यहाँ पता क्या करा, पंखे को ऊपर फेंक के मारा और पंखे में केला घुला और आज काफी ज्यादा जल्दी टाइम निकल गया। और बस मेरे स्कूल की आपको बात, मेरे स्कूल की बस यही छुट्टियाँ। खाना वगैरह खा लिया है। अम्मी ने बनाया था दाल चावल और दादी के यहाँ से आया था हलीम, जो मैंने फर्स्ट व्लॉग में बोला था ना ऐसे ही कि दादी के यहाँ से छोले आए, ऐसे ही आज हलीम आया है। और बस खाना वगैरह खा लिया है। आप लोग कमेंट सोचता ना कि आपके घर में क्या बना है खाने में, बताइए। अरे फ्रिज मत खोला, फिर गैस निकल जाएगी पूरी। और वैसे अभी हम बाहर गए थे, मैं अपने दादू के यहाँ पे गया था क्योंकि असल में क्या बोल रहे थे, हाँ सामान लेने गए थे, ब्रेड वगैरह पापे वगैरह वहाँ पर। यहाँ पर जो ना असल में पास में कोई शॉप ऐसी है नहीं और जो है वो रखते नहीं है वो सामान। अब क्या करें, हम गाँव में चले गए अंदर मसूरी के अंदर, सो वहाँ जाकर वहाँ से सामान लाना पड़ेगा। तो वहाँ गए और फिर वहाँ थोड़ा बहुत तो अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉयमेंट किया क्योंकि वहाँ पर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मैं खेला खुला और आज काफ़ी ज़्यादा जल्दी टाइम निकल गया। और बस मेरे स्कूल की आपको एक बात बताऊँ, मेरे स्कूल की बस चल रही है छुट्टियाँ क्योंकि कांवड़िया का फेस्टिवल चल रहा है ना, तो कांवड़िया के फेस्टिवल में 17 डेट तक की मेरी छुट्टी चल रही है। मत करा फिर, सो मैं ये कह रहा था मेरे 17 डेट तक की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ। मैंने पता जो स्कूल से होमवर्क मिला था ना लास्ट डेट को, वो मैंने कम्प्लीट भी नहीं किया इसी खुशी में। मैं कह रहा था कि लास्ट दिन ही करूँगा। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है पी। अरे यार ये नहीं क्यों चला रखा है पंखा वगैरह, सुबह सुबह फजूल में पंखा चल रहा था, पंखा कर दिया। देखो यार आफिया जो है ना ये रास्ते में चप्पल उतार देती है, तो जो अभी मैं गिरते गिरते बचूंगा। पंखा चला, पंखा चल गया। मैं भी डर गया। शुगर से अभी पी लेते हैं हम चाय वगैरह। आप लोग बोले अभी तो खाना खाया और इतनी जल्दी चाय पीने भी जा रहा है, शाम की चाय पी रहा हूँ मैं और रात की अब फिर सोने का टाइम हो जाएगा। और असल में जो है ना आप लोगों को पता है कि ब्लॉगर जबकि पता है भाई मैं ब्लॉग बना रहा हूँ यार, खामा खा में अड़ती रहती है हाँ मगर मैं कहते ब्लॉग बनाते हुए परेशान करती है, पहले इसको खुरा देते हैं।
सरप्राइज खुराक दे दी है और ये देखो बैठ गई खुराक दे दी गाइस मैंने। सो गाइस रात की चाय वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं, आपको ऊपर लेके चलता हूँ मैं। रात को आपको व्यू दिखाऊंगा कि छत पे रात को कैसा व्यू आया। चलो चाय वगैरह पी लेते हैं गाइस। हमने चाय पी ली है। अरे अभी कहाँ पी, अभी पीने जा रहे हैं बाजी। सो गाइस चाय वगैरह पी ली है और अभी चलते हैं ऊपर, आप लोगों को रात का नजारा दिखाएंगे। अपनी छत का दिन नहीं हो रही तो रात हो जाए, रात को आप लोगों को नजारा मिलता। और आप लोग कहोगे भाई तू छत 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 ही दिखाता रहता है, कुछ तो लोग में नया दिखा। गाइस अभी जो है ना मेरे पास जो है बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता है, और जब टाइम मिलेगा तब आप लोगों को बाहर भी ले जाके दिखाएंगे। अरे यार फोन अटक गया मेरा। गाइस आप सोच होंगे इतने जल्दी खाना खा के चाय भी पी लेती है। मंकी तो नहीं है मम्मी ऊपर, कभी हम ऊपर पहुंचे हम हमारे ऊपर ही लपट जाए वो। गाइस हम चेक कर रहे हैं कि ऊपर मंकी तो नहीं है। मैं पहले जाना चाहिए था मुझे, पर असल में क्या सीन है ना, अगर मैं पहले जाऊंगा और मुझे लपेट लिया उन्होंने, मेरा फोन भी जाएगा साथ में। पहले अम्मी को जाने देते। दीवार टूट गई। छत पर आए हैं मैं भी टहलने, और आप लोग छत का नजारा, अरे भाई क्या सुबह, आप लोग अब छत का नजारा देखिए। वो गाइस वो जा रहा है बाईपास, और ये हमारे घर के सामने वाला रोड है और वो जा रहा है बाईपास, और उसे हापुड़ की तरफ जाता है वो बाईपास। उस बाईपास से हम हापुड़ जाते हैं अपनी नानी के यहाँ। और गाइस आप लोगों को मैं अपना फेस दिखाता, पर असल में क्या हो गया ना, फ़ोन के अंदर बैटरी बहुत कम है तो फ्लैश नहीं जला पा रहा है ये फ़ोन। ये कह रहा है कि पहले बैटरी चार्ज करो फिर जलाऊंगा मैं तो फ्लैश, वो भी जिद्दी है भाई पूरा। तो गाइस ये दूसरी साइड है, और देखो वहाँ पे पड़ती है मस्जिद, जहाँ पे लाइट जल रही है ना वो, तो गाइस वहाँ पे पड़ती है मस्जिद, चांद मस्जिद है उसका नाम। और गाइस सब देखो आप, व्यू देख लो, रात का व्यू और दिन का व्यू, आप पता ना क्या अंतर है। गाइस ये पेड़ रात में बहुत डर लगता है यार तू पेड़ को ऐसे बताती है भाई, वो जान लेगा नहीं है हमारी। सो गाइस अभी घर के आगे का व्यू दिखो रात में, अब देखिएगा आपको बढ़िया। इधर नहीं जाते भाई, इधर तार वगैरह आ रहे हैं। सो और अभी दूसरी साइड का व्यू दिखाते हैं। ये रोड जो है ना, तो ये देखो यहाँ जो गाड़ी बाइक जा रही है ये इधर से आ रही है। और गाइस हवा काफी ज्यादा प्यारी चल रही है, काफी अच्छी बात है। पहले पता हम क्या करते थे, जब भी लाइट नहीं आती थी ना और ऐसी हवा चलती थी तो हम क्या करते थे, मच्छरदानी ऊपर लगा के गद्दे वद्दे बिछा के ऊपर ही सोते थे हम पूरी रात। अरे 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 अभी फोन गिरता गाइस। चलो अभी टहल लेते हैं गाइस, मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाता पर क्या करूं, फोन के अंदर बैटरी ही कम हो गई। इसमें दिखा रहा है लो बैटरी फ्लैश अनेवेबल, सो ये ऑन नहीं कर पाएगा। ये फोन्स के अंदर एंड्रॉइड के अंदर बहुत दिक्कत है। गाइस जो मैं कह रहा था ना कि वो ढक गया हो भैया, रुक जाओ गाइस, जहाँ लाइट जल रही है ना, जो मैं घर कह रहा था वो डूबा हुआ है, उसमें देखो वो अंकल जो है टीवी चला के गाने बजा रहे हैं। और गाइस ये तो बहुत खतरनाक सा लगता है, जहाँ पे नीचे पानी भरा हुआ है ना, ये बड़ा खतरनाक सा लगता है, ये बहुत गहरा सा लगता है, ऐसा लगता है कि इसमें जैसे कुछ समुंदर हो। ओह
सो गाइस आई होप आप लोगों को मेरा फेस दिख रहा होगा। अरे अच्छा, मैं सोच रहा था कुछ ऐसी चीजें, वो डॉग था एक। सो गाइस अभी नीचे चलते हैं। अरे ये क्या हो गया? तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि हमारी जो छत है ना, उसके ये जो प्लाई है टूट टूट के गिर रही है। तो गाइस हम लोगों ने लगा दिया लॉक दरवाजे पे और अभी चलते हैं नीचे। सब लोग सेफ रहता है, लॉक लगाना चाहिए। और गाइस ये रखा हमारा इन्वर्टर, ये मेरे चाचू का इन्वर्टर है। आई होप आप लोगों को आज के व्लॉग में मजा आ रहा होगा। सो गाइस आज के व्लॉग में बस इतना ही है। अब मिलता है आपको कल को नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन।